ऑल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महिला कांग्रेस भी कवायद में जुट गई है। जी हां, महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ आगामी दिनों के लिए कार्यकर्ताओं को कई तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतारा जा रहा है। 15 जनवरी से महिला कांग्रेस घर घर जाकर केंद्र राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेगी। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो विकास योजनाएं संचालित की जा रही थी और जिन कार्य योजनाओं पर अमल किया जा रहा था, उनका एक पंपलेट छपाकर जनता को उसके बारे में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बताएंगी। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत बनाते हुए ब्लॉक सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं बीजेपी की माने तो जनता जानती है कि प्रदेश में कौन काम कर रहा है, प्रदेश में किसके कार्यकाल में काम हुआ है और किस पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस कुछ भी करे उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में इस तरह की तस्वीर लगातार देखी जा रही है। तो यानी कि अब कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पूरी तरह से तैयार है, कमर कस ली है और यहाँ पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस पूरे मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो सुनिए। महिला कांग्रेस जनवरी से ब्लॉक स्तरीय जो कार्यक्रम है वो करेंगे, उसमें जो गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं और जो स्कीम्स कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस लाई थी उनके बारे में लोगों के साथ चर्चा करेगी, बात करेगी और लोगों के बीच में जा जाके महिला कांग्रेस आपके द्वारा एक कार्यक्रम जो हम लोग 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग जो कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम थी उनको उनके पंपलेट छपवाएंगे और उनको गाँव मारेंगे। देखिए, जनता जनार्दन जानती है कि प्रदेश में कौन काम कर रहा है, प्रदेश के लोगों को किससे लाभ मिल रहा है, प्रदेश की जो सरकार है अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसका लाभ जनता को मिल रहा है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं का लाभ जनता ले रही है और हमारी जो भारत विकसित संकल्प यात्रा है उससे जनता बता रही है स्वयं कि मुझको ये लाभ मिला है, मेरे यहाँ ये विकास हुआ है, प्रधानमंत्री जी की इस योजना का मैं लाभ ले रही हूँ, प्रदेश का इस योजना का मैं लाभ ले रही हूँ। तो जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, विकास किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके के पत्र निकालती रहती है, इस तरीके से चिट्ठियां बांटती रहती है। उनकी चिट्ठी कोई पढ़ता नहीं, उनके पत्रों को कोई जांचता नहीं है, इसलिए उनको कहीं फायदा नहीं होने वाला है। चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और उसकी कवायद जो है शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने सुना, महिला कांग्रेस अध्यक्ष को ज्योति रौतेला कह रही है कि अब हमने पूरी तैयारी कर ली है, जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है वो 15 जनवरी से पंपलेट छपवा कर लोगों तक पहुंचेंगे और इसका नाम होगा कि महिला कांग्रेस आपके द्वार, और इसके ज़रिए जो सरकार की विफलताएं हैं, जो योजनाओं के वादे किए गए थे, कितना लाभ मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, सारी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो महिला कांग्रेस की तैयारी है और कुछ महिला मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता विद्यार्थी जी मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और सुनीता प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। कुछ ही देर में अनिल थपलियाल जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, नेता यूकेडी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तो रुख सुनीता प्रकाश जी का कर लेते हैं। सुनीता जी, तैयारी बहुत अच्छी आप लोग करने जा रहे हैं, सोच अच्छी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जनादेश मिला है बीजेपी को, उससे आप जो भी कर लें वो कम साबित होगा, इसलिए आपका जो प्लान है उसको इतना ज्यादा मजबूत करना होगा कि जनता विश्वास कर सके। देखिए, आपसे कहना चाहूंगी कि 70 साल तक इसी जनता ने हमें अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है और आगे भी देगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि जनता है और वो बिल्कुल न्याय करती है। उसने इतने समय तक हमें आशीर्वाद दिया, तो अभी भाजपा को दिया है, तो इसमें कोई ऐसा उछलने वाली बात नहीं है कि कांग्रेस नहीं आएगी। हमें सर्वोपरि है उनका, जो भी उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया उसको हम सर आंखों पर रखते हैं और उन्होंने मौका दिया कि हम जनता के बीच में रहे और जनता की आवाज बने, जो कि कांग्रेस पार्टी निरंतर उनकी आवाज जा रही है, जनता के बीच में है। और बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ सांसद है, इस जनता ने जो है हमारी उत्तराखंड की जनता जो है, यहाँ का जनता जनार्दन, इन्होंने उनको 5-5 सीटें लोकसभा की दी है, सांसद बनाए,
लेकिन वो सांसद कहीं नजर तक नहीं आते हैं। आप उनसे पूछिए कि वो केंद्र से कितने योजना कितने रोजगार उन्हें अब तक दिया है, वो दिखाई देते हैं तो योजना मतलब कहां से वो यहाँ के रोजगार लेके आएंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस ने कमर कस ली है और हमारी महिला कांग्रेस की जितनी नेत्रियां हैं कार्यकर्ता हैं सब जनता के द्वार जाएंगे और इनकी कमियों को उजागर करेगी कि भाई सांसदों को आपने यहाँ से भेजा है तो उनसे आप सवाल पूछिए कि उन्होंने आज तक उत्तराखंड के लिए क्या किया। यानी ये कहा जा सकता है कि देवभूमि में कांग्रेस में महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और ये मातृभूमि है देवभूमि, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी तैयारी उत्तराखंड में तो जो हमारा राज्य मिला है और आज जो हमारे नेता इसमें जो है उसका दुरुपयोग करने राज्य बनने का वो सब महिलाओं की ही की शहादत के वजह से उनके संघर्ष की वजह से हमें उत्तराखंड राज्य मिला है। और आपके आज जो चर्चा चली है तो मैं समस्त नारी शक्ति को अपनी आंदोलनकारी महिलाओं को और जो शहीद हुई है उस राज्य को बनाने के लिए उन सबको नमन करना चाहूंगी। लेकिन हाँ जरूर कांग्रेस अब बिल्कुल तत्पर है और तैयारी के साथ है, ताकि जो है सकारात्मकता के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये जो पूरा आपका प्लान है कम से कम इतना तो दिखाई दे रहा है कि हाँ उत्तराखंड में कांग्रेस जो है वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश तो कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए नानी आपने गलत बात है, जमीन तलाशने की जरूरत हमें नहीं है। इतनी जिस तरह से पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है और राज्य में बीजेपी की सरकार आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये की इतनी सकारात्मकता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और जिस तरह से तीन राज्यों में विफलता कांग्रेस ने पाई है उसके बाद ये कॉन्फिडेंस कोई बात नहीं, ये कॉन्फिडेंस अच्छा है। हमें बहुत आशीर्वाद दिया जनता ने, पहले ही अपनी बात पूरी कर दी थी कि 27 साल तक जनता ने दिया, अभी अगर नहीं दिया तो हम उसको नकारात्मक भी नहीं लेंगे, हम उसको सोचते हैं कि जनता ने हमें वक्त लेने का मौका दिया है जो सर्वोपरि है हमारे लिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुनीता जी कांग्रेस को आपने सुनी लिया है, बहुत अच्छी बात है, सकारात्मकता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और मजबूत विपक्ष की जरूरत भी है देश को। सुनीता विद्यार्थी जी अब ये कह रहे हैं कि आपकी जो विफलताएं हैं चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, जो विफलताएं हैं वो हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे और महिलाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर उत्तराखंड की हम बात करें, पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं वो प्यार जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से बार बार कुछ मामलों में आवाज लोगों की सुनी जा रही है, दबी आवाज में भी कई बार देखा गया है, कई बार बुलंद आवाज में भी देखा गया है, तो कंपटीशन टफ है। देखिए काजोल जी, कांग्रेस की हालत पर मैं सिर्फ अपनी दो लाइनों से आज आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखूंगी। ना मांझी है ना रहबर, ना हक में है हवाएं, है पछती भी जर्जर, कैसा सफर है। तो कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों की यहाँ पे दुहाई दे रही थी, उस लूट खसूट की जो बात यहाँ पे जनता को जो समझ आई 70 वर्षों में, उसी का परिणाम है कि आज भाजपा पूरे देश में हर राज्य में जो है वो मैंडेट के साथ में आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता है और जो रणनीति है वो जनता के पक्ष में रहती है, जनसेवा के लिए काजोल जी हम जनसेवा के लिए राजनीति में आते हैं और राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे प्रत्येक वर्गों का उत्थान हो, हर वर्ग में चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे युवा शक्ति है, चाहे हमारे अन्य जो मोर्चे हैं, वो सारे मोर्चों को लेकर आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है प्रत्येक मोर्चों का सम्मेलन करके पूरी महिला वर्ग का इतने सम्मेलन हुए, हर जगह पे हम महिलाओं की आज बात कर रहे हैं और जो महिलाओं ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दिया है देखिए काबिले तारीफ है। मैं उस 50% जनता जो हमारी महिला वर्ग है उनको सब तक नमन करती हूँ, उन मातृशक्ति को, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गारंटी है उस पर विश्वास जता रही है और आगे भी जताएंगी। क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा नेता चाहिए जो पूरे विश्व में आज भारत का नाम कर रहा हो, एक ऐसा नेता चाहिए जो विश्व में अपनी आर्थिकी को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर प्रतिष्ठा के आगे खड़ा हो।
इनके पास कहीं से भी उस खोखले परिवार जिसकी ये ढोलकी इतने टाइम से पीट रहे हैं उसका इनका दुर्भाग्य है अब कि भैया इन्होंने जो कुकर्म इनके पुराने नेताओं ने किए थे उसी स्वरूप ही जो है आज इनके दिग्गज कांग्रेस को संभाल रहे हैं और कांग्रेस दिन रात जो है वो गर्त में जा रही है क्योंकि इनकी जो लीडरशिप है वो किस तरीके का मजाकिया व्यवहार जो पूरे देश में करती है बच्चे बच्चे जो है उसका मीम्स बनाते हैं तो ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। पार्टी के अंदर ना तो विचारधारा है ना महिलाओं के प्रति सम्मान है ना ही किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए कोई विकासकारी योजना। चलिए तो काजोल जी साफ है कि देखिए चुनावी जो अभी रन है उसमें वही लोग आगे रहेंगे जो जनता का विश्वास जीतेंगे जो जनता के लिए साफ नीयत से काम कर रहे हैं। ये अपना एक काम गिना दे अपना तो छोड़िए मनमोहन सिंह जी को तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इनके इनके जो ऊपर जो आका जो काजोल जी बहुत समय ले दिया आपने इनको आ रही हूँ आप मुझे ही जब दे दीजिए प्लीज। ठीक है सुनीता जी चलिए ठीक है हाँ जी हाँ जी आ रही हूँ सुनीता विद्यार्थी जी सुनीता विद्यार्थी जी आऊंगी आपके पास। सुनीता प्रकाश जी आप लोग ये कह रहे हैं कि हम विफलताएं गिनाने के लिए लोगों के द्वार जाएंगे जो महिला कार्यकर्ता है वो जाएंगे। देखिए जनता को विफलता नहीं सुननी है जनता को चाहिए कि आपके पास इनकी योजनाओं की कार्ड क्या है आप मुझे बताइए कि आपके पास कार्ड क्या है। विफलताएं तो हम सुन रहे हैं बहुत दिन से सुन रहे हैं। देखिए तो जनता ही इनको जवाब देगी। अब सुंदर विद्यार्थी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकार में है सिर क्या केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगी अरे क्या बात देख रही है कौन सा भ्रष्टाचार को सिर चढ़ा रहे हैं कौन सिर क्या रहा है भ्रष्टाचार एक एक करके बोलिए मैम प्लीज आप अपनी बात राजनीति नहीं है प्रदेश के अंदर एक उपलब्धि बता दीजिए आप लोगों को बातें बातें रखनी है यहाँ पे और बात विषय को धीरे और करना है अभी आप महिला मोर्चे की बात कर रही थी बताइए जरा कितनी महिलाएं हैं आपके मोर्चा में अब मोर्चे में बताइए कितनी है कौन सा भ्रष्टाचार हो गया जरा इस बात को नोट करिए कि सिर क्या रहा है कौन सा भ्रष्टाचार हुआ क्या बातें लेके बैठ जाती है विदाउट होमवर्क जो है यहाँ पर आकर टाइम पास मैम आप लोग एक एक करके बोलेंगी तो ही आपकी आवाज सुनाई देगी। ठीक है आप महिलाएं हैं दोनों मैं भी एक महिला आप प्लीज विद्यार्थी जी और सुनीता प्रकाश जी 2 मिनट के लिए म्यूट कर दीजिएगा प्लीज कुछ देर के लिए म्यूट कर दीजिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और बीजेपी ये कह रही है कि ये कुछ भी कर ले जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली है लेकिन कांग्रेस ने सोचा है कि हम नए सिरे से अपनी तैयारी करने जा रहे हैं और शायद चाहे सुनीता विद्यार्थी जी हो चाहे सुनीता प्रकाश जी हो आप दोनों को एक एक करके बोलना चाहिए और एक दूसरे की बात सुननी चाहिए तभी आप अपना जो पक्ष है वो रख पाएंगे।
क्योंकि देखिए यहाँ पर आप दोनों एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और रिप्रेजेंट करने के तौर पर ही यहाँ बैठी हैं। अगर आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आएगी या दर्शकों को नहीं समझ में आएगी तो कोई फायदा नहीं। आप आवाज खोलिए। अनम्यूट करिएगा। सुनीता प्रकाश जी, सुनीता प्रकाश जी मेरी बात सुनिए। सुनीता विद्यार्थी जी प्लीज, अभी सुनीता प्रकाश जी बोल रही है, आप प्लीज शांत रहिएगा, फिर मैं वापस लौटूंगी आपके पास। सुनीता प्रकाश जी, इनको एक बात अच्छी तरीके से समझा दीजिए। मैं विद्यार्थी पर डिबेट करने नहीं बैठी है, अपनी बकवास जो सुनीता विद्यार्थी। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं भाषा आप लोग फिर से, आप दोनों को अपनी भाषा का संयम से इस्तेमाल करना चाहिए। आप दोनों एक पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे सर ऐसे नहीं डिबेट होती। पर्सनल मत होइए मैम प्लीज। आप लोग प्लीज बस करिए। बस करिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है दर्शकों को, आप बोलते रहिए दोनों। तो मुद्दा था यहां पर कि कांग्रेस ने तैयारी कर ली है लोकसभा चुनाव को लेकर, और कांग्रेस ने तैयारी की है कि महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगी, विफलताओं को सुनाएंगी सरकार की, जो भी केंद्र सरकार की रही हैं और जो भी प्रदेश सरकार की रही हैं। लेकिन जो टॉपिक है वो थोड़ा पर्सनल होता जा रहा है, जिस वजह से मुझे दोनों अपने मेहमानों को म्यूट करना पड़ा है। अब देखिए आपने सुना जैसे कि ज्योति रौतेला कह रही है कि हम पैम्पलेट स्पीच अपवाएंगे। अब सवाल ये है कि आप विफलताएं गिनाने के बात तो कर रही हैं कि आप विफलताएं गिनाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि विफलताएं गिनाने से क्या होगा? जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ सुन रही है, बोल भी रही है। आप उसकी काट लेकर आइए, आप बताइए कि आप क्या करेंगे, आप क्या कुछ नया देंगे, तो जनता तभी तो विश्वास कर सकती है ना। तो ये तैयारी जो है वो कांग्रेस की दिख तो रही है, लेकिन एक बार फिर से आधी अधूरी तैयारी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तीन राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, अगर तीनों ही राज्यों में हम देखें तो तीनों में से दो में कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन आम जनता ने नकार दिया है कांग्रेस को। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में सीधे तौर पर पांचों लोकसभा सीटें जो हैं वो भाजपा के पास है, दूसरी तरफ राज्य सरकार भी बीजेपी की है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। अनम्यूट करिएगा दोनों को, सुनीता प्रकाश जी और सुनीता विद्यार्थी जी, मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? आप दोनों को आ रही है, कौन बोलेगा पहले? सुनीता जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू प्लीज। आप दोनों एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, एक 70 साल जिसने आम जनता का सुना दुख दर्द, उनको योजनाओं का लाभ दिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया आप लोगों ने 70 सालों में। काजोल जी ये डिबेट आप ठीक से देखिए, अगर इसमें मेरी कहीं गलती दिखती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैं बिल्कुल सुनूंगी इस पूरी चर्चा को सुनूंगी। सब कोई सम्मानित परिवार से है सुनीता प्रकाश जी, मैंने इसीलिए म्यूट कर दिया था। सुनीता विद्यार्थी जी मैम, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, मुझे खत्म करना पड़ेगा फिर इस चर्चा को। यही आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, ये बहुत गलत बात है। सुनीता प्रकाश जी, कांग्रेस और बीजेपी बोथ ऑफ यू, बहुत गलत बात है ये। विद्यार्थी जी आप ही चुप हो जाइए।
सुनीता प्रकाश जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ बार बार, लेकिन आप सुनेंगी तभी तो। मैं आप ही के पास आ रही हूँ बार बार, एक सवाल पूछा था, एक ही सवाल पूछा है तभी से इतना आप लोग। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, जनता तक आवाज जाएगी नहीं जाएगी वो बात की बात है। चर्चा को कंटिन्यू करूं या मैं खत्म कर दूं, आप बता दीजिए मुझे। मैं आगे चर्चा करूं या ना करूं मुझे बता दीजिए आप दोनों। बहुत गलत बात है मैम, बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे ऐसे डिबेट जो है ना कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। सुनीता प्रकाश जी और सुनीता विद्यार्थी जी, तो बात यहाँ हो रही थी कि महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता आगे 15 जनवरी से एक पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और सकारात्मकता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर दोनों ही प्रवक्ताओं ने एक दूसरे पर कहें कि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो सही नहीं था, इसी वजह से मुझे चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ेगी। अब देखना है कि कांग्रेस की जो तैयारी है वो कितना लोकसभा में उन्हें सफलता दिलाएगी। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वाली इंडिया।